हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करूंगा वो है एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर के। जब भी आपका इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है या आपको किसी भी कारणवश नीट में कम मार्क्स होने के कारण या आपका बजट नहीं होने के कारण जब आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो आप बाहर का प्लान करते हो। जब आप बाहर की प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो आपके सामने गाइडलाइंस के रूप में कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाता। फिर तो जो आपको फोन कॉल्स आते हैं उस पर जो आपको सामने से जो बताया जाता है या तो उसके समझ पर आप डिसीजन लेते हो, या सेकेंडली जो फ्रेंड्स आपके ऑलरेडी वहां पे गए हैं वो जिस तरीके का सजेशन देते हैं उनके बिहाफ पर फिर आप जाकर के डिसीजन लेते हो, जो कि कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डिसीजन की तरफ भी आपको लेकर के जाता है। मोस्टली केसेस में कई सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता और किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना होता है। हालांकि इसको लेकर के मैंने भी पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन कुछ रिफाइंड प्रोसेस के साथ मैं आपको आज की इस वीडियो में बता देना चाहता हूं। तो दो पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगा। एक तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन है जिसको बिहाफ पर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज का सिलेक्शन या कंट्री का सिलेक्शन करना चाहिए, और दूसरा जो बाहर जाने वाली कौन कौन सी कंट्री है और कहां पर किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी थोड़ा बहुत आपको मैं, पूरी काउंसलिंग तो ये 15-20 मिनट के वीडियो में नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो पे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मेल आईडी दे रखा है, आप वहां पर कनेक्ट करके सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको मैंने कवर किया है। जनरली जब पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो सबसे पहले किसी भी पेरेंट्स का जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि एक तो लैंग्वेज का वहां पर कौन सा इशू है, क्योंकि आपको जो फोन आते हैं उसमें ज्यादातर लैंग्वेज की बात करी जाती है कि इस कंट्री में ये लैंग्वेज का इशू है, उस कंट्री में ये लैंग्वेज का इशू है, तो एक पॉइंट आपके दिमाग में रहता है। दूसरा, लेसर ट्रेवल टाइम भी आप चेक करते हो। कई सारे पेरेंट्स देखते हैं कि इंडिया से फ्लाइट का टाइम कितना है, कि वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये भी आपको गाइडेंस दी जाती है। दूसरा, सिमिलर टू यूएस एजुकेशन स्टैंडर्ड कई लोग चेक करते हैं कि अच्छा वहां पर, कई सारे लोग आपको फोन कॉल करके ये भी बताते हैं कि वहां पर यूएस का पैटर्न, यूएस का स्टाइल है। एजुकेशन स्टैंडर्ड तो आप यूएस का खोजते हो लेकिन एडमिशन थर्ड ग्रेड कंट्री में जाके ले लेते हो, ये लॉजिकल जो आप डिफ्रेंशिएशन करते हो वो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से ब्रेन साइकोलॉजी से आप जो इसका डिसीजन लेते हो कि एजुकेशन सिस्टम आपको फुल एडवांस चाहिए और कंट्री का सिलेक्शन पुअर कंट्री और थर्ड ग्रेड कंट्री में आप जाके कर लेते हो। सबसे पहला पॉइंट, जो फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी। किसी भी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना महत्व है उस यूनिवर्सिटी का। सेकेंड जो है वो हॉस्पिटल्स, जो उस हॉस्पिटल्स है वहां पर, एंड दैट ऑल्सो इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कौन सा हॉस्पिटल इक्विप्ड है, तो जाहिर सी बात है कि जो कंट्री डेवलप्ड होगी, जिस कंट्री का हेल्थ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा या हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा होगा, वो कंट्री अपने आप में इन सब चीजों में सबसे आगे होगी। ऐसा नहीं कि आप किर्गिस्तान और तजिकिस्तान और खजकिस्तान में जाकर एडमिशन ले लें, हाई ग्रेड स्टैंडर्ड वहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है और आपको कभी नहीं मिलने वाला है। थर्ड, फैकल्टी स्टैंडर्ड भी आपको चेक करना होता है। फैकल्टी जो है उस कंट्री में कितनी अच्छी है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड अगर उस कंट्री में अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि फैकल्टी भी आपको वहां पर अच्छी मिलेगी। कई ऐसी कंट्री है जहां पर फैकल्टी ही अच्छी नहीं। फोर्थ इज द टीचिंग स्टैंडर्ड, टीचिंग मेथोडोलॉजी वहां पर क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है, मतलब अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हो तो पेशेंट्स इनटेक क्या है, हॉस्पिटल्स वगैरह का मतलब कि जो है इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, और जो क्लासरूम है, प्रैक्टिकल सेशन है, ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी होती है। फिफ्थ इज इन्वायरमेंट उस यूनिवर्सिटी के अंदर में कैसा है, कंट्री के अंदर में इन्वायरमेंट कैसा है, रेसिज्म नहीं है, कॉम्युनल्स किसी तरह का कोई फीलिंग्स वहां पर तो नहीं है, ये सब भी इंपॉर्टेंट ध्यान आपको देना होता है क्योंकि आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द सिक्स्थ इज क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कई सारे बच्चे जाने के बाद उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं, कई महीनों तक रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको इसका भी ध्यान देना पड़ता है। द सेवेंथ इज एमसीआई पासिंग परसेंटेज ऑफ द यूनिवर्सिटी, नॉट कंट्री। यहाँ भी गोल गोल घुमाया जाएगा आपको, यूनिवर्सिटी की जगह आपको कंट्री बताया जाता है, तो आप जनरली एमसीआई का पासिंग परसेंटेज यूनिवर्सिटी अगर नहीं है उसका, तो फिर आप कई और तरीके से उस यूनिवर्सिटी के लेवल को चेक कर सकते हैं, आप करियर पाठशाला के भी मदद दे सकते हैं यूनिवर्सिटी के राइट सिलेक्शन को लेकर के। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं भी है और है भी, और क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आप स्टैंडर्ड को समझ सकते हो, अब कितने लेवल तक में वर्ल्ड रैंकिंग होनी चाहिए और किस लेवल से वर्ल्ड रैंकिंग चेक करनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को रैंकिंग ही चेक करनी नहीं आती है, और या कंपेरिजन जो है रैंकिंग के बीच में वो करना नहीं आता,
तो ये भी एक डिसीजन है। दूसरा, जिस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने जा रहे हो उस कंट्री में, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। कई सारे कंट्री में 80-90% प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपको गवर्नमेंट बना करके जो है उस कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाता है, तो यह भी जानना बहुत जरूरी है। और बाहर के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इंडिया से भी आप पुअर कंट्री में जाकर एडमिशन्स लेते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाकर के, वहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, कई सारे लोग इसमें ट्रैप होते हैं, तो यह भी जानना आपको जरूरी है कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। नेक्स्ट है रिलेशन विथ इंडिया, इंडिया के साथ उस कंट्री का क्या रिलेशन है, ये भी एक मैटर है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो कई सारे चैलेंजेज है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पर ये होगा, कई सारे लोग आपको जब चाइना प्लान कर रहे होंगे तो लोग बता देंगे कि आपको जो है कल ही इंडिया और चाइना में लड़ाई होने वाली है, तो कई सारे एजेंट हैं इंडिया में जिनको कुछ भी पता नहीं है, दे डोंट नो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को क्या होता है, या कोई भी नॉलेज लेवल का स्केल नहीं है, चार यूनिवर्सिटी जानते हैं, चार कंट्री जानते हैं, चार फीस जानते हैं, और मैक्सिमम कमीशन उनको कहाँ मिलना है बस वो उनको पता होता है, उसी के हिसाब से आपको गाइडलाइंस करते हैं। कोई इंडिया चाइना में कभी लड़ाई नहीं होने वाली, और इंडिया चाइना में अगर कभी कुछ वॉर हो जाता है तो कुछ बचता भी नहीं है, ये चीज़ आपको समझना है। तो इस तरह के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। जो पेरेंट्स खास करके जो स्मार्ट होते हैं वो इन चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो खैर, नेक्स्ट की बातें करते हैं। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने कई सारे कंट्रीज में बच्चों से बात करने के बाद, जो वहाँ पे गए हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो या जो हमारे थ्रू भी गए हैं, उनसे बात करने के बाद हमने सेटिस्फैक्शन यूनिवर्सिटी का करे, उसके बाद हमने जो है ये डिसाइड किया है। तो हमने एक लिस्ट बना रखी है कि कौन से कंट्रीज में कौन से यूनिवर्सिटी और कौन सी कंट्री पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे कंट्री में जाने के बाद, कई सारे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी बच्चों का फीडबैक अच्छा नहीं है, तो उसके बिहाफ पर भी इसकी रेटिंग हमने कंट्री यूनिवर्सिटी की है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो सबसे कम वेटेज हमने दिया है उसकी वेटेज आप सबसे ज़्यादा देते हो एज ए पेरेंट्स या एज ए कैंडिडेट, क्योंकि आप जिस लेवल पे हो ना, ट्वेल्थ के लेवल पे, मतलब आप घर से निकलते ही बाहर, तो उस लेवल पर इससे ज़्यादा सोच नहीं पाते हो आप, तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है। जैसे आप फूड के बारे में सोचते हो, सबसे पहला सवाल है उस कंट्री में फूड अवेलेबल है कि नहीं। पेरेंट्स बींग अ पेरेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, वो पूछेंगे, बहुत लॉजिकल है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, इंडियन फूड्स हर जगह लगभग अवेलेबल है, मेस के रूप में, कैंटीन के रूप में, कई यूनिवर्सिटीज में नहीं भी अवेलेबल है और कई यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, लेकिन रियलिटी ये है कि फूड कभी भी जाने के बाद कंसर्न नहीं रहा है। होता क्या है कि जब एक बार वहां पहुंच जाते हो, वो टेस्ट आपको पसंद ही नहीं आएगा अगर उस यूनिवर्सिटी में मिल भी रही है तो। 90% मोस्टली केसेस में ये होता है कि बच्चे या तो एक साल के बाद खुद का एक ग्रुप बन जाता है, वो फूड का जो कुकिंग है खुद से करा लेते हैं, या बाहर में किसी से कहीं से अरेंज कर लेते हैं। तो इट इज़ वेरी वेल मैनेज, ये कोई इशू नहीं है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये ऑलरेडी मैनेज्ड है। चाइना जैसी कंट्री में कई लोग फूड का इशू बताते हैं, वहाँ पर जो आपके जो हॉस्टल्स मिलते हैं वहाँ पर वेल, आपको मॉडर्न फैसिलिटी के साथ आपको किचन सप्लाई होता है, आप चाहो तो किचन में बना सकते हो, आप चाहो तो मेस के थ्रू मैं कर सकते हो। उसी तरीके से रशिया में, कई सारे कंट्रीज में इस तरह के इश्यूज हैं। सेकेंड इज ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। कई सारे पेरेंट्स मतलब स्टार्ट ही ट्यूशन फीस और बजट से कहते हैं, मेरा कहना है कि एक आइडियल बजट आपका होना चाहिए, और आइडियल बजट जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर उस आइडियल बजट के रेंज में अगर आप नहीं आते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप मतलब किसी सी ग्रेड कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में या कंट्रीज में एडमिशंस करा दें बच्चों का, और उसका 5 साल के बाद रिजल्ट नहीं आया, उससे बेटर है कि आप किसी दूसरे कोर्सेज में ट्राई करिए। जरूरी थोड़ी है कि MBBS डॉक्टर बनाया जाए बच्चों को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अच्छा डॉक्टर बनाया जाए, और जिसके लिए भेज रहे हैं वो मकसद तो पूरा हो। तो जो बजट है आइडियल, वो आइडियल बजट होना चाहिए आपका। आइडियल बजट होगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी मिलेगी, और मैक्सिमम पेरेंट्स का ये बजट लगभग हो जाता है। लेकिन कई पेरेंट्स का बजट नहीं होता है और वो 8 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख के चक्कर में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जाकर के लास्ट में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी कुछ डिटेल डिस्कशन इसके बारे में चाहिए तो मैंने आपको अपना नंबर शेयर कर रखा है, उससे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप माई करियर पर्सनल के वेबसाइट पे भी जाके अपडेट ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा वेबसाइट जो है वो अंडर मॉडिफिकेशन है, तो हो सकता है जब आप इसको चेक करें तो मॉडिफिकेशन में जा रहा हो, लेकिन कभी रेगुलर चेक करेंगे तो आपको ये अपडेट मिल जाएगा। अब जो डायरेक्ट कंट्री जहाँ पर एडमिशन्स होते हैं उसमें आपका रशिया, यूक्रेन, जर्मनी, फिलीपींस, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, बेलारूस, पोलैंड, कैरेबियन आइलैंड, कजाकिस्तान, रोमानिया, इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए इंडिया से बच्चे जाते हैं।
तो कई सारे कंट्रीज में कई सारी यूनिवर्सिटी भी ऐसी है जो अफिलिएटेड नहीं है। वैसे इस बार बहुत सारे कंप्लेंट्स मेरे पास आए कि यहाँ पर कई सारे एजेंट जो लोकल थे जिनको नॉलेज नहीं होती है वो कहीं ना कहीं से लेके किसी का एडमिशन करा देने की कोशिश करते हैं। बच्चे वहाँ पे पहुँच भी गए और पता चला कि उनका उस एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन ही नहीं हुआ। फिर उनको किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया जो कि MCI से अप्रूव्ड ही नहीं था या एफिलिएटेड ही नहीं था। तो वैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर वो आप अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हो और करियर भी बर्बाद कर रहे हो। तो ये सब चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द राइट यूनिवर्सिटी, राइट कंट्री, राइट बजटिंग कैसे होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करियर का जो प्लान है वो डिसीजन है वो एक बार किया जाता है और बहुत सही तरीके से किया जाता है। क्योंकि जनरली आज के डेट में जब आप कोई प्रोडक्ट भी खरीदने जाते हो तो आप रिव्यू 100 बार उसका रिव्यू चेक करते हो। तो ये तो करियर है, तो इसके जब आप डिसीजन लेने के लिए जा रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स है या इंपॉर्टेंट काउंसलर जो आपको लगता है कि ही कैन प्रोवाइड यू द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, आपको उसके थ्रू ही गाइडेंस लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और जो अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। आप इस वीडियो को सर्कुलेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड में ताकि कोई भी किसी गलत डिसीजंस में ना आ जाए। बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। अभी तो नीट काउंसलिंग की भी जब स्टार्ट होगी तो स्कैम्स और करप्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको बताऊंगा जो मैं आपको अवेयर करूंगा पहले ही कि आपको किन किन बातों से सावधान रहना है। तो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।